1971 में क्या होता है देखिए। उन्नीस सौ इकहत्तर में अगर बात की जाए पाकिस्तान की, ना केवल कोटा पॉलिसी या रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंजेस होते हैं बल्कि पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही चेंज हो जाता है। पाकिस्तान की पूरी पाकिस्तान का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो जाता है इस समय, क्योंकि 1962 में 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रद्द हो जाता है, और इस समय 1971 में पाकिस्तान में जनरल का शासन, यानी कि जनरल यानी कि मार्शल शासन, मार्शियल रूल, यानी कि पाकिस्तान में सैन्य शासन रहता है। इस समय सैन्य शासन के प्रमुख कौन रहते हैं? याकूब खान। याकूब खान जो है ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहते हैं। ये 1969 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान के जनरल रहते हैं, यानी कि सेना के प्रमुख रहते हैं, तो इन्हीं का शासन रहता है। और इस समय इन्होंने कोटा सिस्टम में चेंजेस किए गए, और इन्हीं के समय पाकिस्तान में इन्हीं के समय ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश, आज वर्तमान बांग्लादेश देश है उसे हम ईस्ट बंगाल के नाम से जानते थे, वहां पर बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन देखने को मिलता, उसको दमन करने में इन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया, असफल हुए। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पराजित हुए ये याकूब खान, फिर अपमान सहा, पद से छोड़ इस्तीफा दे दिया गया, फिर जो है जुल्फिकार अली भुट्टो सत्ता में आते हैं 1973 में। जुल्फिकार अली भुट्टो इस समय प्रेसिडेंट भी 1973 तक प्रेसिडेंट रहते हैं, 1973 से 1977 तक जो है प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालते हैं। तो इन्होंने क्या चेंज किए गए, याकूब खान जो शासक थे या जनरल थे, इन्होंने कोटा सिस्टम या कोटा पॉलिसी में क्या चेंजेस किए वो हम देखने का प्रयास करते हैं याकूब खान ने कोटा पॉलिसी में क्या चेंजेस किए गए। इन्होंने याकूब खान ने कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं किए, व्यापक परिवर्तन नहीं किए, बल इन्होंने टारगेट किया सिंध को, टारगेट किया गया सिंध प्रांत को। इन्होंने क्या किया, सिंध प्रांत को और कराची, जो सिंध प्रांत जो था, सिंध प्रांत का ही कराची एक सिटी थी, शहर था, इसमें जो है जो 2% जो कोटा मिलता था, जो जितना 80% जो 80% कोटा रिजर्व था पाकिस्तान में, उसका जो 2% कोटा कराची को मिलता था, तो इसको इन्होंने क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया, इनको एंड कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। कि अब जो याकूब खान ने दो काम किए गए, एक तो काम इन्होंने कराची का जो 2% का जो कोटा था उसको रद्द कर दिया गया, दूसरा इन्होंने ये कहा गया कि सिंध का जितना कोटा मिलता है, यानी कि सिंध को जितना, माना कि अगर 80% में से कुछ रीजन बेस का जो कोटा मिला है उसका 60% कोटा जो है ग्रामीण आबादी को मिलेगा, यानी ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा, उसका लाभ कितना, कराची का जितना कोटा है या उसका 60% लाभ ग्रामीण आबादी को मिलेगा, और सिंध का जितना कोटा है उसका बचा कितना, 40% कोटा जो है वो शहरी आबादी को मिलेगा, यानी कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या को या शहरी आबादी को मिलेगा। तो ऐसा इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया, मतलब कोटे के अंदर कोटा जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब कराची जो शहर है, अभी इन्होंने कहा कराची एक सिटी है, तो कराची के सिंध के जो शहरी क्षेत्र थे उसी जो सिंध के कोटे का पूरा लाभ लेते थे, क्योंकि सब सुविधाएं रहती थी, गांव जो शहरों में रहने वाले लोगों को सब सुविधा मिलती है, तो गांव के लोग को सुविधा नहीं मिलती है, तो गांव के लोग पिछड़े जाते हैं, तो उनको अब जिन्होंने, अब पता, इन्होंने याकूब खान ने ये भी काम कर दिया गया कि शहरी आबादी को जो है 40% कोटा रिजर्व कर दिया गया सिंध के टोटल कोटे का, और जो है
ग्रामीण आबादी के लिए सिंध के टोटल कोटे का 60% कोटा यानी कि 60% कोटा ग्रामीण आबादी को दे दिया गया। तो कोटे के अंदर कोटा यानी कि अब सिंध के लोगों में ये नहीं कि शहर के लोग भी ज्यादा लाभ लेंगे, गांव के लोग अधिकार लेंगे, नहीं, रिजर्व फिक्स कर दिया गया कि 60% कोटा जो है सिंध में जितनी वैकेंसी, सिंध को जितना कोटा शेयर बैठेगा उसका जो है 40% जो है कोटा गांव के गांव शहरी आबादी को उसका लाभ लेगी और 60% यानी 60% जो है शहरी आबादी गांव की आबादी जो है उसका लाभ लेगी। तो ऐसा इन्होंने जो है कोटे के अंदर कोटा का प्रावधान किया गया यानी कि कोटा अब गांव के लोगों तक पहुंचने लगा क्योंकि गांव के लोगों की जो है गांव के लोगों में जागरूकता कम होती है, शिक्षा का स्तर कम होता है, भौतिक सुविधाएं कम होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं होता है, उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, इस कारण जो है कोटे का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो यह खान ने ये काम किया गया कि अब कोटे का लाभ गांव के लोगों को भी मिलेगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि कराची के लोग याकूब खान से नाराज हो गए। दूसरी बात यह है कि क्योंकि अगर कराची का कोटा समाप्त कर दिया जाएगा तो कराची के लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, वो तो मानेंगे कि हमारा कोटा समाप्त कर दिया गया तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, तो आलोचना भी करते हैं कराची के लोग। फिर जो है अगर और फिर जो है 1971 से लेकर 1973 तक और